औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन को लेकर आपके सामने बात करने के लिए हाजिर हुए हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि विधानसभा इलेक्शन को लेकर हर पार्टियां अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत बनाने के इरादे से मैदान में उतरकर काम कर रही है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर जनाब शौकत अली साहब लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ये दावा कर रही है कि यहाँ के मुसलमान और हमारे हिंदू और दलित भाई मिलकर मजलिस को यहाँ पर मजबूत बना रहे हैं, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर आने वाले समय में जो विधानसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसकी डेट आप सभी को पता ही होगी कि यहाँ पर फरवरी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अपने प्रचार का आगाज़ करेगी, और फरवरी में जिस तरह से यहाँ पर वोट डाले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला यहाँ के विधानसभा इलेक्शन में मजलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है। क्योंकि विधानसभा इलेक्शन को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई पार्टी चर्चे में नज़र आ रही है तो वह हमारी और आपकी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है। ऐसी पार्टी को साथ देकर आप उत्तर प्रदेश में कामयाब बनाएं, और मजलिस से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए आप बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबाएं, और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब तक ज़रूर पहुँचाएँ।